मिर्ची 98.3 इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। संजीत विजगार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? ये पागल। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in. Hello? Wrong number again. क्या? रॉन्ग नंबर है क्या? रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, कौन बोल रहा है? अच्छा रॉन्ग नंबर नहीं है तो जरा मुकेश जी से बात कराना। मुकेश जी से? कौन मुकेश जी? मुकेश नौटियाल जी। नहीं भैया, यहाँ मुकेश जी नहीं रहते, कोई रॉन्ग नंबर। अच्छा पहले पूछ रहा था तुझसे रॉन्ग नंबर है तो नहीं बोला गया था? गधा है क्या तू? मैं शुरू में मैंने तुझसे पूछा क्या है भैया, दांत तोड़ूंगा है? क्या बदतमीजी कर रहा है तू? मैंने शुरू में पूछा था रॉन्ग नंबर है तो क्यों नहीं बोला था आपने? अबे नहीं है मेरा रॉन्ग नंबर। तो फिर मुकेश जी से बात कराने मेरी? मुकेश जी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर है तो तू क्यों नहीं बोला? जब तो कह रहा था राइट नंबर है। फोन रख भेंचोद, मुकेश जी नहीं है यहाँ पर। मुकेश जी नहीं है, रॉन्ग नंबर है, कह तो रहा हूँ। पहले तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर था, तू तो पहले क्यों नहीं बोल दिया? हेलो, एक बात बता, बस ये पूछने के लिए फोन किया है। जब तू ये नंबर ले रहा था तेरे को पता नहीं था ये रॉन्ग नंबर है, सही वाला ले लेता। ये रॉन्ग क्यों लिए घूम रहा तू? साले कौन है तू, मान जा या तू रॉन्ग नंबर मिला रहा है ये? जब तूने लिया तो राइट नंबर लेता ना, क्यों रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है? थैंक यू, फोन कर दिया ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। हेलो अंकल। हाँ जी अंकल, तृप्ति है? कौन तृप्ति? तृप्ति वालिया। नहीं मैडम रॉन्ग नंबर है। देख अभी भी रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है, मैंने कहा था ना मैडम, मैंने चक्कर देके फोन कराया, रॉन्ग नंबर लेके वही आके मारूंगा। देखा रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है मैडम, देखिए ये बदतमीज आदमी है। हेलो देवीदास सर, संतोष। कौन संतोष? आपकी कंपनी में सर अकाउंट्स में हूँ अभी। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सुबह में, आप थोड़ा जल्दी में हो देना तो। जी बताइए सर, ये सुना आपने गुजरात में? क्या ये गुजरात में है ना कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, पिलॉट, फिलेट। हाँ, सुना है मैंने। हाँ वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को आधा किलो बर्फी है। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। ओके सर। हेलो दिव्य ज्योति जी। हाँ कौन बोल रहे हैं? कैलाश। कैलाश आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में एक दो बार देखे हैं। हाँ बोलो। वो सुने आप गुजरात में जो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा। हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का। एक तो आप हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है। पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहाँ। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? बताइए कौन बोल रहे हैं? सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में। हाँ बताइए। आपने सुना ये साहब जी भाई गुजरात में मतलब इन्होंने हद कर दी है? जानता हूँ मैं, जानता हूँ सर। मेरे को मिल गया डेरी फूड का डब्बा सर। वैसे कितने थे इसमें डेरी फूड, क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था, मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे, कितने होंगे? ये एचआर ने करवाया था आप सब लोगों के लिए दिवाली के लिए, आप ना लेके जाइए। बादाम थे उसमें मेरे ख्याल से, शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे। बादाम खोले 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी। मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेट। फिर भी साहब जी भाई का देखो आप है गुजरात वाले साहब जी भाई। और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ बस ठीक है, हैप्पी दिवाली। हेलो सर, दिस इज प्रीति, आई एम वर्क विद योर कंपनी इन द आईटी डिपार्टमेंट। या प्रीति टेल मी सर, आपने सुना ही होगा गुजरात में सावजी भाई। आप जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है। एक्चुअली सर, वन ऑफ माय कजिन्स वो उन्हीं के साथ काम कर रही है सावजी भाई के साथ, सो शी कॉल्ड मी अप यस्टरडे एंड शी इज रियली हैप्पी। देन शी आस्क्ड मी कि मुझे क्या मिला है, एंड मैंने तो बताया ही नहीं। तुम सबके सब जाके साहब जी के साथ काम करने लग जाते हैं? नहीं सर, वो उनका रिक्रूटमेंट नहीं। तुम लोग काम करने आते हैं यहां पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो? किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेट नहीं मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हैं, ये काम करने आ रहे हैं। हेलो। हाय। हाय अनुषा, आई एम सॉरी। सॉरी, हु इज दिस? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई
क्लब में एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा. एक सेकंड लिसन हेलो. यस हूसोएवर यू आर आई रियली डोंट केयर पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए. आई ट्रस्ट मी हमने उसको बोला था यू नो मैंने उसको... या तो आपको खुद समझ नहीं आता है जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया चलो ठीक है आप आ गए. कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद वहाँ अंधेरा इतना था यू नो. नहीं एक सेकेंड आप मेरी बात सुनिए उसको चलो ठीक है उसको समझ नहीं है आपने इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते बैठे रहे वहीं पे. नहीं यू वर क्राइंग आप रो भी रहे थे. हाँ तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाती तब भी वहीं पे बैठे रहे. नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा ना मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी अच्छा पोंछ रहा था. अच्छा नहीं लगा तो फिर हटिए. नहीं वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक यू नो प्रॉब्लम है वो मेरे नहीं प्रॉब्लम नहीं है मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके नहीं तो आपको प्रॉब्लम है. नहीं जब वो पोंछ रहे आंसू तब हट जाते बैठे रहे वहीं पे. आई एम नॉट सेइंग यार मैंने उसको मना किया था मैंने मना किया था मेरे को ठीक नहीं लग रहा था वो आपका रुमाल वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था ठीक नहीं लग रहा था. उसने क्योंकि यार अनुषा उसने मेरा रुमाल लिया था उसके बाद नहीं था उस टाइम पे मेरा रुमाल लिया अनुषा मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले आपके आंसू पोंछ रहा है पूरे चेहरे पे आंसू आंसू है और मैं उससे मना कर रहा था. मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है इतना तेज जुकाम है मेरे को दो दिन से. मैंने उसको बोला भी मैंने इशारा भी किया रुमाल को दबा के तो देख ले कम से कम अंदाजा ही हो जाता. मैं आपको सही बताऊं रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता मेरी जेब भारी हो रही थी. लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूं भाई मोहब्बत है लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के उसने सारा खोल के भी पोंछे थे क्या. उसको पता था कि आपको जुकाम है. उसको मेरे को नहीं मालूम मैंने तो छींके मारी है पांच छह मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छींक ही रहा था बार बार. आर यू देयर फोन रख बहन मेरी बात तो सुनो मैं आप फोन रख बहन ट्राई टू अंडरस्टैंड ना मैं फोन रख बहन फोन रख मैं नहीं रख रहा तो मैं रख रही हूं. ये भाई साहब मैं कनाट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ. ये पार्क में एक बैग मिला है 25,000 रुपए कैश है इसमें आपका है क्या ये. हेलो भाई साहब. हाँ जी सर. हाँ बैग जी हाँ सर मेरा ही है वो. ओफो मतलब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है सर मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है. थैंक यू सो मच आपने फोन कर दिया सर. नहीं मैंने अभी यहाँ पे देखा है मैंने कहा था इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी कई सारे मतलब नंबर भी थे मैंने आपको भी डायल किया है. आप ही का बैग है ये. हाँ सर मेरा ही बैग है सर जी. अरे हाँ संदेह फोन है वहाँ से. हेलो मैंने यही देखा मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार इसमें ऐसे खुला पड़ा हुआ है. मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे और मैं मतलब दिमाग से निकल गया कि कहाँ है कहाँ है. अब याद है आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था तो हो सकता है वहीं छूट गया हो. ना वही वो खुला पड़ा हुआ है बैग. ये ब्लैक कलर का बैग है ना. हाँ हाँ ब्लैक कलर का है लेदर का होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. लेदर का तो नहीं है प्लास्टिक का था. प्लास्टिक का. अरे हाँ सुन रही हो मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या. हाँ सर अभी बताया बीवी ने प्लास्टिक का ही ले गया था मैं ब्लैक कलर का. ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आप ही का है ना. जी जी. आर यू श्योर आपका है. ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है और 25,000 रुपए कैश है उसमें. हाँ बिल्कुल आप ही का है. सुबह ही निकाले रहा. हाँ आप ही का है ना. 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल क्या. नहीं देना तो मत दो बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप. नहीं मतलब आप ही का है ना. मेरा ही है कितनी बार कहूँ. और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है ये किसकी है. मैं कांस्टेबल धीर पार बोल रहा हूँ कनाट प्लेस इलाके से. यहाँ पे अभी हम आए हैं यहाँ पे पार्क में हमने ठामी डांस बना रखी है पूरी. पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपए कैश है और एक लाश पड़ी हुई है. लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता. 25,000 रुपए कैश है बराबर में लाश है ये किसकी है. सर कौन से रंग का ब्लैक बैग बताया आपने. भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला ना. नहीं सर मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था. तो ये भी तो लाइट ब्लैक है. एक सेकंड. अरे वो प्लास्टिक का ही था सकता है. ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं. तूने अभी खुद बताया बैग मारा है बैग मेरा मैंने 5 दफा पूछा. तूने खुद बोला अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है. भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रहे हैं पूरा बयान दो बैग किसका है लाश किसकी है सारी बात बताओ वरना हम आएंगे आपके पास ठीक है. अरे दीपाल इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है. हेलो
सर हम सॉरी सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर वो सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो हंस रहा है, बतमीज हंस कैसे रहा है, बेगैरत इंसान, मेरा बैग है, लालच किसकी है?